ये हैं मंसूर भाई, जिन्होंने बीसलपुर रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। मंसूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर पड़ने वाले बीसलपुर रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। शाहजहाँपुर की ये दिशा है और इसके अलावा सामने आप देख सकते हैं जो क्रॉसबार वाले मास्ट हैं वो लगा लिए गए हैं यहाँ पर। फाउंडेशन काफ़ी पहले ही बना लिए गए थे और काफ़ी समय बाद हम आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दे पा रहे हैं। सामने देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर एक से इस वीडियो को शूट किया गया है और ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर दो, बीच में मेन लाइन। इसके अलावा जो मालगोदाम वाले साइड का जो फर्श बनाने का काम है वो भी लगभग पूरा कर लिया गया है, उसका अपडेट भी हम आप लोगों को देंगे। तो ये देखिए फाउंडेशन बनाने के लिए जो मसाला बनाने वाली मशीन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तेज़ रफ्तार से पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर काम चल रहा है और यहाँ से अगर आप लोग नज़र डालें तो कुछ हिस्सा भी फुट ओवर ब्रिज का इनकम्प्लीट है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रैंप साइड का व्यू है, लेकिन इसके ऊपर जो टीन शेड लगी है वो भी कम्प्लीट है। मालगोदाम के साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर अभी थोड़ी बहुत टीन शेड लगाई जानी बाकी है, उसका व्यू भी दिखाएंगे। पीलीभीत की दिशा में ये रूट जा रहा है, यहाँ से जूम करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो क्रॉस बार वाले मास्ट हैं उनको लगा लिया गया है, हालांकि अभी ये 90 डिग्री पर सेट नहीं है और काफ़ी गंदगी भी हो गई है फाउंडेशन बनाने के वजह से। मिट्टी और जगह जगह मिट्टी का ढेर भी लगा हुआ है, कई जगह मिट्टी फैल भी गई है। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आपको पूरे स्टेशन का व्यू भी थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, मालगोदाम की साइड का व्यू भी अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो तेज़ रफ्तार से चल रहा है एक तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और बहुत जल्द संभवता ये भी है कि निगोही रेलवे स्टेशन तक भी जो फाउंडेशन बनाने का काम है वो सुनने में आ रहा है कि पहुंच गया है उसके आउटर तक, हालांकि अभी स्टेशन पर नहीं पहुंचा है, ऐसी जानकारी मिली है। तो यहां से आप नज़र डाल सकते हैं तो काफ़ी कुछ अभी जो यात्री सुविधाएँ हैं वो स्टेशन पर वो अभी बाकी हैं, बहुत जल्द यात्री सुविधाएँ भी मुकम्मल कर ली जाएंगी। पीलीभीत से शहबाज नगर तक जो रूट है वो पूरी तरह से खुल चुका है, केवल शहबाज नगर से शाहजहाँपुर के बीच में जो ट्रैक लिंकिंग का काम है वो बचा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक सीआरएस स्पीड ट्रायल नहीं हो पाया है। केवल 5 किलोमीटर की दूरी का काम बचा हुआ है, बाकी जो काम है वो पीलीभीत से शहबाज नगर तक वो कम्प्लीट है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी संभवतः यही है कि सितम्बर अक्टूबर तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर, और फिर उसके बाद ही मेरे ख्याल से संभावना है कि ट्रेन भी चल जाए, क्योंकि इस समय इस रूट पर और कई जो और रूट हैं उन रूटों पर ट्रेन बंदी लागू है, क्योंकि कोरोना काल है, केसेस बहुत ज़्यादा आए, इस वजह से अब धीरे धीरे केसेस घट रहे हैं। तो हो सकता है कुछ रेलवे इसमें ढील दे दे ट्रेन चलाने को लेकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आप लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट बीसलपुर रेलवे स्टेशन से दे रहे हैं और जिस तरह से पीलीभीत टनकपुर रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चला था तेज़ रफ्तार से, ठीक उसी तरह से इस रूट पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेज़ रफ्तार से चल रहा है। नोएडा की ग्रीन कंपनी इस रूट पर काम कर रही है। यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मालगोदाम के साइड में फर्श बनाने का काम है वो लगभग पूरा हो गया है, कम्प्लीट हो गया है। जगह जगह थोड़ी बहुत गंदगी बस है और कुछ ही समय बाद संभावना यह है कि सुनने में आया है कि यहाँ से माल की लोडिंग और अनलोडिंग शुरू हो जाएगी लगभग 3 से 4 महीने बाद। तो यहाँ से एक नज़र ये भी डाल लीजिएगा, आप देख सकते हैं जो रैंप साइड में ये टीन शेड वाला हिस्सा, इसमें अभी टीन नहीं लगाई गई है, कुछ हिस्सा बचा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो मालगोदाम के लिए जो फर्श बनाने का काम काफ़ी समय से चल रहा था वो कंप्लीट लगभग हो गया है, थोड़ी बहुत जो कमी है फिनिशिंग की वो बाकी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर अभी शेडिंग के लिए टीन नहीं डाली गई है रैंप साइड के व्यू की तरफ, और यात्री सुविधाओं से संबंधित जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो लगभग पूरी हैं और संभावना यही है कि जब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होगा तो धीरे धीरे यहाँ पर भी जो काम बचा हुआ है स्टेशन पर वो लगभग 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हम आपको शाहजहाँपुर रूट का जूम करके दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो बीसलपुर रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये क्रॉसबार वाले जो मास्ट हैं वो लगे हुए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लोग भी अगर हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में ही दिया हुआ था, वहां से नंबर लेकर आप
किसी भी स्टेशन पर जहाँ पर कहीं काम चल रहा है वहाँ का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।